बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ कैसर मलिक, आप लोगों के साथ सर्वेइंग इंजीनियरिंग डिजाइनिंग इंफॉर्मेशन प्लेटफार्म से। आज मैं आपको कैसियो FX56P के बारे में बताऊंगा, उसके अंदर के आप ये प्रोग्राम कैसे पढ़ सकते हैं। जिस तरह की आपको स्क्रीन के ऊपर कैलकुलेटर नज़र आ रहा है, तो ये इस कैलकुलेटर, ये बेसिकली प्रोग्रामर है। उसके अंदर आप सर्वे के और इंजीनियरिंग के सारे प्रोग्राम फीड कर सकते हैं अपने हिसाब से, उसकी वर्किंग साइट के ऊपर बहुत ही ईजी तरीके के साथ कर सकते हैं। तो इसके मुतालिक मैं आज आपको वर्टिकल कर्व के मुताबिक बताऊंगा कि उसका प्रोग्राम आपने कैसे इसके अंदर फीड करना है। इस सिलसिले में इससे पहले मैं एक वीडियो बेरिंग एंड डिस्टेंस की बता चुका हूं, जिसके अंदर मैंने आपको प्रोग्राम फीड करने का तरीका और उसकी बेसिक्स के बारे में बताया था। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस कैलकुलेटर प्रोग्रामर के अंदर आपको वर्टिकल कर्व का प्रोग्राम भरने का तरीका बताऊँगा कि आपने उसको कैसे भरना है। उसके बाद इसकी मज़ीद वीडियोज़ भी मैं आपको अपलोड करूँगा और उसके फार्मूले के मुताबिक भी बताऊँगा कि आप इनके अंदर इसके फार्मूलेज और उसके प्रोग्राम्स को कैसे बना सकते हैं और ख़ुद फीड कर सकते हैं। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप साइट सर्वेयर हैं तो उसके लिए आपके लिए ये प्रोग्रामर आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास टाइम नहीं होता, साइट के ऊपर वर्किंग ज़्यादा करते हैं, ऑफिस के अंदर बहुत कम बैठते हैं, लैपटॉप वगैरह या कंप्यूटर वगैरह के ऊपर आपको काम करने का टाइम कम मिलता है, तो आप उस सिलसिले के अंदर इस वीडियो, इस कैलकुलेटर के ज़रिए साइट के ऊपर बहुत ही आसानी के साथ अपने सारे काम कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो ये आप देख सकते हैं कैसियो FX5800P वर्टिकल कर्व का ये प्रोग्राम है और ये उसकी पूरी लैंग्वेज इधर लिखी हुई है वर्टिकल कर्व्स की। सबसे पहले इसका इनपुट सेक्शन आएगा, सेकेंड नंबर के ऊपर इसके फार्मूले हैं PVC और PVT एलिवेशन वगैरह के और स्टेशन के, नीचे इसके PVT चेंजिंग है और सबसे आखिर के अंदर इसका पूरा आउटपुट फार्मूला है और लास्ट के ऊपर आपने गो टू ज़ीरो LBL, जिधर आपका ज़ीरो आ रहा है उधर तक ये जाएगा रिक्वायर्ड चेंजिंग, और उसके बाद आपकी रिक्वायर्ड चेंजिंग जो आप देते जाएंगे उसकी कैलकुलेशन इसी तरीके से ये करता जाएगा। तो आपको ये प्रोग्राम चाहिए तो इसकी स्नैपशॉट ले लें अपने मोबाइल या लैपटॉप के ऊपर से, उस प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर के अंदर या मोबाइल के अंदर सेव कर लें और जिसकी मदद से आप अपने कैलकुलेटर के अंदर इसको इनपुट करके इस प्रोग्राम को आप फीड कर दें और उसको यूज़ में ले आएँ। मैं अभी प्रोग्राम को इधर से फीड करना स्टार्ट करता हूँ, साथ में स्क्रीन के आपके ऊपर कैलकुलेटर नज़र आ रहा है, इसके हिसाब से आपने देखते जाना और करते जाना, और आपके लेफ्ट साइड के ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है, जिस फार्मेट के अंदर फार्मूला इधर से इनपुट है उसी तरीके से मैंने सेम टू सेम इधर इनपुट करते जाना है और आपने इसको देखते जाना है और इस हिसाब से इसको आपने फीड कर लेना है। इसका यही मेथड होगा।
तो आप इस तरह वर्किंग करते हुए अपना सारा प्रोग्राम, इसकी मदद से जो साइट के ऊपर आपको पूरी डिटेल आ रही है उसकी मदद से आप अपने पीसी के अंदर इसको सेव कर लें। तो अभी आप देखेंगे हमारे सामने दो प्रोग्राम आ गए हैं, बेयरिंग डिस्टेंस और वर्टिकल कर्व का। वर्टिकल कर्व अभी हमने ऐड किया है, तो आप इस तरह इसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। आप फाइल को इधर से प्रेस करेंगे तो आपके सामने दोनों प्रोग्राम आ जाएंगे जो मैंने बनाए हैं, पहला बेयरिंग डिस्टेंस का, दूसरा वर्टिकल कर्व का। वर्टिकल कर्व को आप सिलेक्ट करके इक्वल टू कर लें और इसके ऊपर पॉइंट ऑफ वर्टिकल स्टेशन आप सबसे पहले एंटर कर दें। सपोज है 1000 उसका पॉइंट आईडी है उसकी, और उसका एलिवेशन जो है 500.50 है। लिखने के बाद आपने एंटर कर देना है। उसके बाद कर्व लेंथ CL वो आपने इधर एंटर कर देनी है 250। इसी तरह G1 जो ग्रेड आपके पास जा रहा होगा -1.5% मैंने इधर का एंटर कर देना है। और इसी तरीके से G2 जितना भी आपका लैंक अंदर दिया गया है उसके हिसाब से आपने जैसे इसको एंटर करके इज इक्वल टू करना है। तो ये आप देखेंगे आपके सामने पीवीसी स्टेशन और उसका एलिवेशन, और आगे पीवीटी स्टेशन उसका एलिवेशन आ जाएगा। नेक्स्ट प्रेस करेंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड स्टेशन आ जाएगा। इधर से आपने जिस भी आरडी का, जिस स्टेशन का भी लेवल चाहिए वो लेवल आपने एंटर करना है, तो आपके सामने अगर उसका एलिवेशन वगैरह आता जाएगा। इसी तरीके से आपने वर्टिकल कर्व पीवीसी से लेके पीवीटी तक का जो भी स्टेशन वगैरह हैं जितने भी इंटरवल के ऊपर हैं वो आपने उसके अंदर देते जाने हैं, तो आपके अंदर आपका इसके अंदर एलिवेशन वगैरह सारे आते जाएंगे। तो उम्मीद है करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी आपको किसी किस्म की भी प्रॉब्लम्स हैं फील्ड वर्क के हवाले से वो मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, जिस मैं कोशिश करूँगा कि आपको उन चीज़ों के ऊपर वीडियोस बना के आपका कंसेप्ट इससे क्लियर कर दूँ। वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।